बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों का सिलेक्शन राष्ट्रीय आईएम योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हो गया है, उनसे बस निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप इसको पास तो कर लिए हैं, अब आप प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की भी तैयारी कीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ राष्ट्रीय आईएम में एनएमएस में केवल 1,000 प्रति माह मतलब 12,000 रुपये साल का मिलना है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में 75,000 रुपये साल का मिलेगा कक्षा 9 और 10 में, और कक्षा 11 और 12 में आपको 1,25,000 रुपये मिलेंगे, मतलब कि 1,25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और पूरा आपका कक्षा 8 का ही 8th का ही आना है। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है जिसकी मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो एससी शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, वो श्रेष्ठा योजना की तैयारी करेंगे, ठीक है। श्रेष्ठा योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। दोनों ही परीक्षा पिछली बार पहली बार हुई थी, इस साल दूसरी बार होगी। इसमें भी क्लास 8th का ही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास किए हैं वो आसानी से उन परीक्षाओं को, दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल आप यशस्वी की और श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा, मेरे उत्तर प्रदेश के बच्चे भी बहुत एंक्सियस है कि रिजल्ट कब आएगा। बच्चों देखिए, काफ़ी अंतर है। जहाँ इसके पहले मैंने आपको छत्तीसगढ़ राज्य का दिखाया, जहाँ केवल 10,000 बच्चों ने ही परीक्षा दी थी, ठीक है, और आपको पता है यूपी में 1,50,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, क्योंकि अब ऐसे भी हमारा राज्य जनसंख्या के मामले में प्रथम है, तो कॉपी चेक करने में बच्चों थोड़ा समय लगेगा। इंतजार कीजिए, जैसे रिजल्ट आएगा वैसे बता दूंगा। और आप लेकिन पीएम यशस्वी और श्रेष्ठा योजना की तैयारी जो है, जो छात्रवृत्ति योजना, उसकी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य का, जिसका एग्जाम हुआ था 6/11/2022 को। ये इसका कंप्लीट रिजल्ट है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं ये उनका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये देखिए जो डिटेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और कई बच्चे अगर इसका डाउनलोड करके अपना देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ के जरिए आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको करना है एजुकेशन, आप लिख लीजिएगा एजुकेशन पोर्टल .mp.gov.in, इस पर जाकर भी आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, ये मिल जाएगा। अब ये देखिए जो रिजल्ट है, कई बच्चे सोचेंगे इसे हम खोजेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए ये स्टार्ट हुआ है बच्चों डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अल्फाबेटिकली खोज लीजिएगा, नाम जो भी है उसमें नाम खोज लीजिएगा। देखिए फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये दिया हुआ है, मेल है कि फीमेल है, कास्ट दिया हुआ है, फिर एड्रेस दिया हुआ है, फिर स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको, और आपका डाइस कोड है, फिर मान्यता नंबर है, आधार है, ठीक है, कई काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, रोल नंबर है, और ये आपका जो पेपर 1 था उसमें कितने नए आए, पेपर 2 में कितने नंबर आए, और ग्रैंड टोटल कितना कुल नंबर आया ये दिया, और यहाँ रैंक दी हुई। तो इस बच्चे की जो है 2,221 रैंक आई है, उनका मोबाइल नंबर भी है साथ में, ब्लॉक कोड भी है, और आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड भी है, कैटेगरी भी दी हुई है। तो इस तरह से आप अपना आसानी से बच्चों देख सकते हैं। अब देखिए ये कट ऑफ कितने हैं, ये क्योंकि इसमें देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 123 पेज हैं, ये देखिए 123 पेज अभी दिख रहा था यहाँ पे, 123 पेज कुल हैं, ठीक है। तो काफ़ी समय लगेगा इसको देखने में, मैं सोचा कि पहले रिजल्ट दे दूं, तो इस हिसाब से बच्चे अपना नंबर देख लें। और जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। अब देखिए कुल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसको मैं दिखाना चाहूँगा, एकदम मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ। कुल बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चों, ये हुए हैं 6,446, इतने बच्चे कुल सेलेक्ट हुए। अब इसमें जानकारी मुझे नहीं मिल पाई कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।